बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन चीज़ बॉक्स पेटीज। जिसके लिए मैंने ये चिकन ली है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, आधी चम्मच काली मिर्च और हंसवे साइड का नमक डालकर, और इसको मैंने सर से श्रेड करके रख दिया। ये बिल्कुल बारीक चॉप्ड अनियन है जो अंडे वाली हम काटते हैं, वो जितनी चिकन लेनी है इतनी ही अनियन लेनी है। उसके अलावा हमने लिया है ये वोस्टर शाही सॉस है, सिरका है, नमक हंसवे जायका है, दो कनौर क्यूब्स हैं, ये हॉट सॉस है और काली मिर्च है पिसी हुई। अब हम एक पैन में एक टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं, एक टेबल स्पून या दो टेबल स्पून जो भी आप ले लेना है। एक कप मैंने ये जो प्याज आपको दिखाई थी मैं इसमें वो डाल रही हूँ, कोई भी मेजरमेंट ले लें आप, कोई प्याली ले लें। और बस इस प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है ताकि इसका कच्चापन निकल आए। अच्छा देखिए प्याज हमारी हो गई है, अब हम इसमें जो है वो चिकन ऐड कर देंगे, वही एक कप जो है मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी नमक हंसवे जायका, नमक बहुत थोड़ा सा इसमें डालेंगे क्योंकि हम क्यूब्स डालेंगे उसमें भी होगा नमक। और ये जो हमने रेड सॉस लिया था ये दो टेबल स्पून हम भर के इसमें डाल देंगे। उसके अलावा काली मिर्चें पिसी हुई जो है वो मैं एक टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम साइड में कर लेंगे, और इसके बाद हम एक दूसरा पैन लेंगे उसमें हम अपने क्यूब्स को तैयार करेंगे। इसको आप हल्की आंच पे रख दें दूसरी तरफ, और ये एक पैन मैंने दूसरा ले लिया है छोटा, इसमें मैं ये दो कनौर क्यूब्स डाल रही हूँ। ये क्यूब्स मैंने डाली, क्यूब्स डायरेक्ट उसमें नहीं डालने क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसमें क्यूब्स डाल देंगे तो वो कहीं आएंगी आपके मुंह में और कहीं नहीं आएगा उसका फ्लेवर। इसे क्यूब्स हम ऐसे डालेंगे। इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून वोस्टर शाही सॉस और दो टेबल स्पून सिरका डाल के हम इस क्यूब को इसमें मेल्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारी चिकन और अनियन है उसमें मिला देंगे। देखिए क्यूब मेरी मुकम्मल मेल्ट हो गई है, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी प्याज और अनियन के साथ। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर मैं वैसे ही क्यूब को तोड़ के डाल देती तो ये कहीं आती मुँह में कहीं नहीं आती, और इसका फ्लेवर बहुत रिच होता है तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं जो हमारे हम पेटीज बना रहे हैं बॉक्स। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, इतनी देर करेंगे सिर्फ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं अच्छी तरह, बस उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, ये हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें हमारा ये जो बैटर जो हमने बनाया है चिकन का और अनियन का स्पाइसेस डाल के ये रेडी हो चुका है। इसको मैंने ठंडा कर लिया है, ये लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ लिया है एक प्याली। अब आप पिज़्ज़ा चीज़ ले लें या चेडर ले लें या मोज़रेला, ये आपके ऊपर है। एक अंडा मैंने बीट करके रख दिया है, और ये समोसे की पट्टियाँ जो बाज़ार में बनी में नहीं मिलती हैं, इसको हम इस तरह से रखेंगे कि एक पट्टी को हमने ऐसे रखा और उसके ऊपर दूसरी को हमने ऐसे रखा, और यहाँ हम अपनी फिलिंग डालेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग रखना अपनी। फिलिंग बहुत कम नहीं रखेंगे, सही से भरेंगे ताकि हमारा बॉक्स जो है वो टाइटली पैक हो जाए। उसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे और इसको नीचे वाली को ऐसे, और उसके बाद इसको हमने ऐसे टाइटली किया। अब इधर वाली को हमने दिया, और इसके ऊपर मैं अंडा लगाऊंगी जो लास्ट में है, और ये तमाम हमारी जो ये बॉक्स है ये हमारा तैयार हो गया। अब ये जो किनारा रह गया इसको आप ज़रा सा लगा दें एक, और इसको इस तरह से बंद कर दें। ये हल्का हल्का ऊपर जो है ना जो मैंने एग बीट करके रखा था ये मैं लगा रही हूँ इसको क्रिस्पी एग लुक देने के लिए। आप अगर ना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बहुत लाइट सा मैंने ये लगाया है हर तरफ इसके, और मैं इसको अब ये ब्रेड क्रम्स हैं ये ऊपर से लगा लूँगी। अगर आप लोग ये ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, वैसे भी हो जाएंगे जैसे हम अपने समोसे वगैरह करते हैं, लेकिन इसको करने से ये क्रिस्पी फ्राई होंगे। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम रमज़ान में ज़्यादातर ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं इसलिए मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई। ये हल्का हल्का ब्रेड क्रम्स लगाया है ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये तमाम मैंने बॉक्सेस अपने बना लिए हैं। अब मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, और इसको मैं बहुत ज़्यादा
डीप फ्राई नहीं करूँगी इसको, हम इस तरह से रख देंगे, जब एक तरफ से हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेंगे।